भोग विलास ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये आ रहे हैं शुक्र कन्या राशि के अंदर जो कि बुध की राशि है। प्रवेश करेंगे 25 अगस्त 2024 को। यहाँ पे ये विराजमान रहेंगे 18 सितंबर 2024 को। क्या परिणाम देंगे शुक्रदेव यहाँ पे आकर के? बात कर रहे हैं हम मिथुन राशि जेमिनाइन के लिए। संपूर्ण गोचर की चर्चा करेंगे, उपाय की भी मैं बताऊंगी। तो शुरू करते हैं राशिफल। बुध हमारे जीवन के अंदर देखा जाए तो बुध की जो राशि है कन्या राशि, वो व्यापार की राशि है, समझदारी की राशि है, जिम्मेदारी की राशि है और बुध को बालक ग्रह कहते हैं। शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य के कारक है, इमेजिनेशन के कारक है, ऐश्वर्य के साथ लग्जरी लाइफ के भी कारक है, वैवाहिक सुख के भी कारक है। ये जा रहे हैं कन्या राशि में। कन्या राशि का स्वामी है बुध और बुध को बालक ग्रह भी कहा जाता है। और शुक्र की जितनी भी चीजें हैं वो युवा अवस्था यौवन से संबंधित है और बुध की जितनी भी कारक चीजें हैं वो है बालक ग्रह के कारण। तो इस गोचर काल के अंदर बुध यहाँ पे कन्या राशि में आकर के श्रेष्ठ महसूस नहीं करेंगे। इसका कारण यही है कि वो बालक ग्रह के संग जा रहे हैं, बालक के संग भोग विलास की चीजें का तालमेल बैठता नहीं है। दूसरा कारण ये है कि बुध की राशि कन्या राशि में जाकर के शुक्रदेव इसलिए भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं कि इमेजिनेशन के कारक है, सौंदर्य के कारक है, भावनाओं के कारक है, भावनाओं का जवाहर इनमें रहता है। तो इनके स्वभाव के विपरीत राशि है कन्या राशि जो कि है जिम्मेदारी और समझदारी की राशि। इसी के कारण से ये यहाँ पे आके नीचता का अनुभव करते हैं। तो शुक्रदेव 24-25 अगस्त को आ रहे हैं कन्या राशि में और केतु के साथ युति कर रहे हैं। केतु हमारे जीवन में वैराग्य का कारक है, ये चीजों को कहता है कि छोड़ो और भोग विलास के जस्ट अपोजिट चलता है और शुक्र है भोग विलास का कारक। इस कारण से भी शुक्र को यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी आएगी। अब हम इस वीडियो के अंदर मिथुन राशि वालों का देखें कुंडली। तो मिथुन राशि वालों के फोर्थ हाउस में आ रहा है शुक्र केतु और ये जो फोर्थ हाउस है ये हमारे शुक्र का है, माता का है, भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों का है। और आपकी कुंडली के अंदर शुक्रदेव आपके 12वें घर के मालिक है जो कि खर्चे के हैं, विदेश यात्रा के हैं। साथ ही साथ ये आपकी कुंडली के अंदर पंचम घर के भी मालिक है जो कि प्रेम का है, शिक्षा का है और संतान का है। तो इस गोचर काल के अंदर आपका खर्चा बहुत जबरदस्त तरीके से हो सकता है, आप बेहतर से बेहतर स्थिति की ओर जाएंगे। खर्चा करते समय आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है। आप भूमि भवन मकान के निर्माण की ओर जाएंगे, जमीन जायदाद खरीदने की ओर जाएंगे, मकान बनाने की ओर जाएंगे और आप जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देंगे। फिर आपको बाद में लगेगा कि ये काम थोड़ा सा कम में भी हो सकता था। तो आप इस टाइप से इस गोचर काल में थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करेंगे। बच्चों की स्टडी से संबंधित भी इस समय प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 5वां अगर बच्चों का है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतान से संबंधित आपके काम इस गोचर काल में होंगे, हालांकि धन बहुत खर्च होगा। आपका जी इस समय चाहेगा कि आप घर के काम करें, घर का निर्माण करें, घर के वास्तु के हिसाब से चलें, घर के वास्तु के काम हो, घर का रिनोवेशन हो, घर को तोड़ करके नया घर बनाएं, कहीं घर खरीदें, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर आप इस गोचर काल में खर्च करने वाले हैं। वो खर्च होएगा बहुत ही बड़ा चढ़ा, जरूरत से ज्यादा आप इस क्षेत्र में खर्च कर देंगे। गाड़ी खरीदनी होगी तो महंगी से महंगी गाड़ी आप इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको खर्चों पर कंट्रोल करने को कह रहा है। 12वें घर का भी ये आपका लॉर्ड बन रहा है, तो 12वें घर में जब शुक्रदेव जो आपके 12th घर के लॉर्ड हैं और 4th घर में आ रहे हैं तो प्रेम संबंधों में इस समय थोड़ा सा सुधार आप देखने को महसूस करेंगे या आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में पहले से ज्यादा लड़ाई झगड़े अब नहीं होते हैं। माँ के सुख में भी आप वृद्धि करेंगे। घर परिवार के अंदर इस समय आपने खर्चों पर नियंत्रण कर लिया, अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लिया तो घर में कलह का वातावरण नहीं रहेगा। फिर भी जो लोग विदेश में रहते हैं और घर की तरफ लौट रहे हैं उनको भावात्मक दूरियां देखने को मिलेगी रिश्तों के अंदर। वो जिस एनर्जी के साथ घर की तरफ लौट रहे हैं उनको उस घर के संबंधित चीजों में थोड़ी सी कमी महसूस होगी, कम संतुष्टि का एहसास उनको होगा। वाहन और जमीन के कार्य तो बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन का योग भी कुछ लोगों के लिए बनेगा और साथ ही साथ इस समय यात्रा भी होगी। यात्रा आप में आपको सफलता जरूर प्राप्त हो सकती है, यात्रा में आपका खर्चा भी जरूरत से ज्यादा हो सकता है। हालांकि आय में भी वृद्धि होगी और संतान से कोई शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी, परंतु संतान की शिक्षा के ऊपर आप खर्च करेंगे उससे संबंधित आपकी चिंता मन में चलती रहेगी। संतान के विदेश जाने के निर्णय या विदेश में पढ़ाई करने से संबंधित निर्णय आपको इस गोचर काल में अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपको थोड़ा सा परेशानी या असंतुष्टि का भाव आपके अंदर रहेगा। माँ से सुख तो है परंतु माता पे भी आपका खर्च हो सकता है, परंतु साथ ही साथ कुछ न कुछ ये लाभ भी आपको बराबर देता रहेगा। इसके कारण से आपके लिए थोड़ा सा
इसमें कुछ ना कुछ शुभ परिणाम भी देखने को मिलेगा। इस गोचर काल को मिथुन राशि वालों के लिए देखें तो बस ये है कि आप अपने निर्णय को सही रखिएगा, क्योंकि आपके डिसीजंस थोड़े से गलत हो सकते हैं। इस समय आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। आप अपने सुखों के ऊपर जो खर्चा करेंगे, उस सुखों पर किया गया खर्चा ही आपके सुख में कमी न कर दे, इस चीज का आप ध्यान रखिए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा के परिणाम थोड़े से उनकी आशा से कम उनको प्राप्त हो, ऐसा संभव है। चीजों को अगर आपने छोड़ा, छोड़ने का मतलब यह है कि केतु जो साथ में बैठा हुआ है वो चीजों को छोड़ने के लिए कह रहा है, और उसकी दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पे चल रही है। तो कार्यक्षेत्र में, वर्क प्लेस पे, व्यापार स्थल पे, या आपके आजीविका, जहां जिससे भी आप आजीविका कमाते हैं, उस जगह पे आपको सही लगे, चाहे आपकी शॉप हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, कोई सा भी फील्ड है आपका कार्यक्षेत्र का, वहां पे आपको सावधानी के साथ चलना है, क्योंकि वहां पे राहु तो ठीक है, परंतु राहु केतु की दृष्टि भी वहां पे पड़ रही है, साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि भी वहां पे पड़ रही है। इस कारण से वहां पे आप चीजों को लेट गो करना सोचें, लेट गो करके चले। जैसे कार्यक्षेत्र पे किसी कलीग से परेशानी है, बॉस से परेशानी है, तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास कीजिए। कोई आपको परेशान कर रहा है, धन अधिक खर्च हो रहा है, तो धन को खर्च करने से पहले सोचें। अगर आपने प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, वाहन पे निवेश कर दिया, तो बाद में आप बिल्कुल भी न सोचें। इसी से आप लेट गो करेंगे तो आपके डिसीजन आने वाले टाइम में बेहतर परिणाम आपको देके जाएंगे। अब क्या उपाय करना है मिथुन राशि वालों को, इसकी चर्चा कर लें। मिथुन राशि वालों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते समय एक बार नहीं दो बार सोचना है, खर्चा करते समय एक बार नहीं दस बार सोचना है कि खर्चा 10 लाख का करना है या 15 लाख का करना है। इस तरह से आप अपना बैलेंस बना के चलें कि 15 लाख में भी काम हो रहा है तो आप 15 लाख पे जाइए। दूसरा काम यह है कि शुक्र की देवी माँ लक्ष्मी है, तो श्री सूक्त का पाठ कीजिए। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप कीजिए। तीसरा यह है कि आप गाय की सेवा कीजिए, गाय और बछड़ा दोनों, जिस गाय के बछड़ा भी हो उस गाय की और बछड़ी की सेवा कीजिए, आप बेहतर परिणाम पाएंगे। इस गोचर को और अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको एक चीज करनी है कि आपको कलह विवाद से घर के अंदर दूरियां बना के चलनी है। आप ऐसा न करें कि कोई खर्चा हो गया, कोई किसी प्रॉपर्टी या संपत्ति या वाहन से संबंधित या सुखों या भौतिक सुखों पर खर्चा करने से संबंधित निर्णय लेने के बाद आप उसके ऊपर बहस विवाद न करें, क्योंकि ऐसा बहस विवाद करने से, चीजों के प्रति चिपके रहने से, चीजों को पकड़ के रहने से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएगी। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि केतु है शुक्र के साथ, जो कि वैराग्य का प्रतीक है, छोड़ने का प्रतीक है। शुक्र है भोग विलास का प्रतीक, तो भोग विलास के ऊपर खर्च कीजिए, परंतु लेट गो करना अगर आपने देख लिया, सीख लिया इस गोचर काल में, तो शानदार परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं, साथ ही साथ आपके डिसीजन भी सही जाएंगे। तो ये था शुक्र का गोचर। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कमेंट में आप लोगों से विनती है कि जय श्री राम या जय श्री कृष्णाय नमः अवश्य ही लिखिए।